हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन जो अभी मैंने बेसिक पिछले वीडियो में जो मैंने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं, नंबर्स के दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तीन मेथड्स मैंने आपको बताए, तीनों मेथड्स में यहाँ पर हम उन मेथड्स को अप्लाई करके देखते हैं किन किन मेथड से हम कैसे कैसे रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहला, अगर मान लीजिए हमें एक या दो रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उनके लिए हमें सिंपल फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि ये दोनों नंबर्स को मैंने माना x एंड y, x इज लेस देन ऑफ y, तो उस केस में सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पूछा फाइंड आवर रेशनल नंबर, फाइंड आवर रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो मैंने थर्ड में यूज किया है। लेट x इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू 1/2, तो रेशनल नंबर रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वन, दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर देते हैं तो रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो 1/2 1/3 प्लस 1/2, इसको कैलकुलेट करें 1/2। स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ ऐड मत कर देना, यहां पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाले पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। गलती से कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट 2/5 कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 और ये 3, 1/2 5/6। अगर ये कैलकुलेट कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, और नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये आ जाएगा 5/12। तो इट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर देखिए दो मेथड्स हैं, दो मेथड से बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला मेथड जो आपको एक फॉर्मूला से मैंने बताया कि इस फॉर्मूले से आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि n नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो लेट, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, इसको मैंने 3 मान लिया, एंड y इज इक्वल टू 4, और इन सच दैट कि जो x है वो y से छोटा है। नाउ फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया था, d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और इसके साथ में टर्म्स बताई थी x प्लस डी, एक्स प्लस 2d और x प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरह से बताया था। तो सबसे पहले मुझे डिफाइन करना, डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, y माइनस x अपॉन n प्लस 1। n क्या है, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको लेकर चलना है हमें, ठीक है। तो कितने रैशनल नंबर हैं, तो n हो जाएगा यहाँ पर क्या, n इज इक्वल टू 6। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते चले जाएं, तो d कितना आ जाएगा, y माइनस x, तो y कितना था 4, x कितना है 3 अपॉन 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/7। तो 1/7 मेरा d आया, अब मुझे यहां से टर्म्स निकालनी है, कितने निकालने, 6, तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं यहां से। तो पहला टर्म्स क्या होगी, x प्लस d, x प्लस d में x कितना होगा, 3 प्लस 1/7, तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 और 1 22 अपॉन 7। दूसरा x प्लस 2d, x प्लस 2d से निकाले तो x यानी कि 3 प्लस 2/7, ये कितना हो जाएगा, 23/7। नेक्स्ट x प्लस 3d, तो 3 प्लस 3/7, 21 और 3 24/7। देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली नंबर हमारा बढ़ रहा है, 22 23 24 एंड सो ऑन, आप ऐसे ही नेक्स्ट नंबर को निकाल सकते हैं, x प्लस 4d का डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 25/7। ऐसे ही x प्लस 5d कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26/7। अभी कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं, 1 2 3 4 5 एंड वन मोर, 6d इज इक्वल टू 27/7। ये मेरे पास 6 रेशनल नंबर्स मुझे मिले बिटवीन टू रेशनल नंबर। एक मेथड तो हमारा सिंपल ये है, बट एक दूसरा अल्टरनेट मेथड देखिए इसका क्या है, वो आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, अल्टरनेट मेथड क्या है इसका। सेकंड अल्टरनेट मेथड ये है कि पहले हम इन दो नंबर को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1 एंड दूसरे को लिख सकता हूँ 4/1, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स मुझे निकालने, तो कितना है पूछा है, 6 पूछा है यहाँ पर, तो इससे एक ज्यादा नंबर लेकर के, यानी कि 7 ले सकते हो,
या फिर 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, मल्टीपल ऑफ 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 लेके चले तो और आसान हो जाएगा, कोशिश करें हम 10 के मल्टीपल्स में लेके चले। तो 10 के मल्टीपल्स में लेने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये तो 3 के इक्विवेलेंट होगा और ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट। तो इट मींस 3 और 4 को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको मैं और रीअरेंज कर देता हूँ, क्या मल्टीप्लाइड बाई 10 न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1 को मल्टीप्लाई 10 ऊपर और 10 ही नीचे, और इसके नीचे बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया, मुझे बीच के नंबर्स लिखने हैं। और इसको भी मैंने लिखा 4 अपॉन 1 में 10 से मल्टीपल ऊपर और 10 से नीचे। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 अपॉन 10, और इसको लिख सकता हूँ मैं 40 अपॉन 10। ये भी 4 के इक्विवेलेंट है और ये भी 3 के इक्विवेलेंट है, क्लियर है। वापस वही फॉर्म मैंने कन्वर्ट किया। अब मुझे इसके बीच में जितने नंबर्स हैं आप उनको लिख सकते हैं, जैसे अब यहां से देखिए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 30 के बाद में 31 अपॉन 10 हो सकता है, 32 अपॉन 10 हो सकता है, 33 अपॉन 10 हो सकता है, 34 अपॉन 10 हो सकता है, 35 अपॉन 10 हो सकता है, 36 अपॉन 10, 37 अपॉन 10, 38 अपॉन 10 और 39 अपॉन 10, और लास्ट में हमारा नंबर यही है, लेकिन हमें चाहिए केवल 6। तो इनमें से आप कोई भी 6 नंबर आप ये निकाल सकते हैं, कोई भी 6 नंबर। ये हमारे पास सेकंड मेथड आपका अल्टरनेट। दोनों मेथड सही है, किसी मेथड से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो रेशनल नंबर, ठीक है। ये मेथड आप पहली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड है, फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों से सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये स्टूडेंट्स दोनों पे एक बार जरूर ध्यान देना कि मान लीजिए जैसे सपोज फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट में 1/3 1/2 था, डिनोमिनेटर डिफरेंट था, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पर सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे इसको पहले दोनों से, दोनों का एलसीएम निकाल करके, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया है, यहां का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम के लिए डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जितने नंबर पूछा जाए सिर्फ एक ज्यादा लेकर के मल्टीपल करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में। या फिर मैंने पहले ही कहा कि कोशिश करें 10 के साथ लेके चले तो ज्यादा अच्छा है, ओके। तो मुझे कितने निकालने, 5। तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 3/5 में मल्टीप्लाई करता हूं 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, 30/50। ये बीच में नंबर मैंने छोड़ दिया, यहां पर गैप जिसके बीच में मुझे लिखना है। 4/5 को भी मैंने ऐसे ही किया, 10/10 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकता हूं 40/50। अब देखिए जो मेरा मेन नंबर है वो ये दो है, इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर्स निकालने, तो 30 से आगे चलेंगे, 30 से आगे के कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 31/50, दूसरा 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो हमने कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है। आप चाहे तो उसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सेम से फॉर्मूले अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 होना चाहिए यहाँ पर, बिटवीन 0 एंड 0.1, इन दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर्स निकालने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। अब सेम फॉर्मूले से करते हैं इसको सॉल्व, लेट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.1 सच दैट x इज लेस देन ऑफ y एंड n कितना है यहाँ पर, कितने नंबर्स फाइंड करने, 9। तो फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो पहले इसमें d फाइंड करें, जब d फाइंड कर लेंगे तो d कैसा आ जाएगा, y माइनस x, इसका मतलब क्या है, 0.1 में से 0 को माइनस किया जाए और n कितना है, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10, क्लियर। या इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो एक डेसिमल यानी कि एक डिजिट से और पहले आ जाएगा, ये मेरा डी आया यहां से। अब मुझे कितने निकालने, 9 फाइंड करने, तो एक्स प्लस डी, पहला एक्स प्लस डी निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर आर वन, फर्स्ट रेशनल नंबर आर वन कितना होगा, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स, 0, 0 में प्लस किया मैंने 0.01, कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा 0.01 पहला रेशनल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज R2 निकालें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2d, तो 0 प्लस 2 इंटू 0.02 में इसको ऐड करके निकालें तो कितना आएगा, सॉरी
0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, 0.02 बन जाएगा। R3 रेशनल नंबर थर्ड निकाले यहां पर, तो x plus 3d इज इक्वल टू सेम, उसमें भी 0 में ऐड किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा 0.03, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा 0.03। ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं R4 0.04, R5 लिया तो 0.05, R6 रैशनल नंबर्स ऑफ 6 0.06, R7 0.07, R8 0.08 और R9 0.09। तो ये मेरे वो 9 रैशनल नंबर्स हैं जो मैंने इसमें फाइंड किए बिटवीन 0 एंड 0.1 में। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे क्वेश्चंस और सारे ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी किस तरह से हमने इनका सॉल्यूशन किया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, उनके कुछ प्रैक्टिस आप लोग खुद करें घर पर। अगर उससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट्स में डाल करके अपने कुछ क्वेरीज डाल सकते हैं कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है या कि हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको रिवाइज चाहिए, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वीडियो में, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन रैशनल नंबर्स विद इन रूट वैल्यूज। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।